एचडीआर स्मूथ, शार्पनिंग स्मूथ, पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ। आखिर में है क्या भाई, फोटो बनाने जाने पे बहुत ज्यादा दिक्कत आता है भाई, यहाँ पे ब्लैक है ना, यहाँ पे ब्लैक है ना, यहाँ पे ब्लैक आ ही जाता है 100% में 100%। एंड आप लोग परेशान हो चुके भाई, फेस को स्मूथ करके बताओ आर्टिस्ट भाई, फेस को स्मूथ करके बताओ। लेकिन आज मैं आप लोग बताऊंगा एचडीआर स्मूथ कैसे करेंगे, शार्पनिंग स्मूथ कैसे करेंगे जो नया तरीका है, एंड साथ ही साथ फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ कैसे करेंगे। जिस भाई को सीखना होगा यार मेरी जान, वही आप लोग वीडियो देखेगा, वरना अभी से आप लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा भौकाल वाला है। तो वीडियो को लाइक फॉलो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मेरी जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फुल एचडी ऑयल पेंट फेस स्मूथ, एचडीआर फेस स्मूथ, फुल एचडी हाई क्वालिटी, एंड साथ ही साथ ऑयल पेंटिंग फोटो एडिटिंग एंड शार्पनिंग फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। आप लोग जितना भी नाम सुन रहे हैं मेरी जान, सब नया है। अगर आप लोग को फुल एचडी हाई क्वालिटी, शार्पनिंग फेस स्मूथ, एचडीआर फेस स्मूथ हाई क्वालिटी में सीखना होगा, जिस भाई को सीखना है वही आप लोग वीडियो को देखिएगा, वरना अभी से आप लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि आप लोग का फोटो नाइट में शूट होता है। एंड जितना भी फोटो शूट होता है, अगर आप लोग का फोटो खराब रहता है तो उस फोटो को आप लोग डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो फोटो आप लोग को नहीं पता है कितना ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी एचडीआर स्मूथ करके, फेस स्मूथ करके, ऑयल पेंटिंग करके, शार्पनिंग स्मूथ करके कितना ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी बनता है। हर फोटो से उस फोटो में गजब का लुक आएगा, एकदम न्यू फोटो बनेगा, आप लोग का फेस स्मूथ बन करके तैयार होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं फॉलो लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी से वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओरिजिनल फोटो को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है मेरी जान, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। सो दोस्तों, शेयर करना सिंपली यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लेयर वाला ऑप्शन, लेयर पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ से एक लेयर हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक आप लोग को लेयर बना लेना होगा। लेयर बनाने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना है, इस सिलेक्शन पे आ जाएंगे, ओके। कलर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर से आप लोग आ जाइएगा इस सिलेक्शन पे, लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा, नॉर्मल पे आ जाइएगा। एंड आप लोग को सॉफ्ट लाइट क्लिक कर देना है, फिर से आप लोग आ जाइएगा पेंसिल आइकन पे, ओके। बहुत ही कम टाइम में इतना इजी स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ जो आप लोग को यूट्यूब पे कोई बताया नहीं होगा भाई, शार्पनिंग फेस स्मूथ के बारे में, ऑयल पेंटिंग फुल एचडी हाई क्वालिटी, फेस स्मूथ फुल एचडी हाई क्वालिटी एडिटिंग सिखाने वाले हैं। मीडियम ब्रश पे सेलेक्ट कर लेंगे, इस सिलेक्शन पे आ जाएंगे, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देंगे, फिर से आप लोग को सॉफ्ट लाइट कर लेना होगा। एंड यहाँ से ओवरली, ठीक है, ओवरली पे आप लोग आ जाइएगा। ओवरली पे आने में सिंपली क्या करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ से ओपसिटी को आप लोग को बढ़ा लेना होगा, ठीक है। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, एंड यहाँ से हल्का सा ओपसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। फुल भी रखेंगे फिर भी चलेगा, कम भी रखेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना मैं एडिटिंग सिखाने वाला हूँ भाई, वीडियो को या तो फास्ट नहीं करूँगा, वीडियो को भगाऊंगा भी नहीं, एंड वीडियो को मैं फास्ट भी नहीं करूँगा। आप लोग को क्या करना है मेरी जान, टाइम निकाल करके वीडियो को देखना है, क्योंकि ओरिजिनल एडिटिंग आज आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कोई सा भी कपड़ा हो आप लोग कलर करना सिर्फ वन क्लिक में जानेंगे। एंड भाई एक कलर नहीं, बहुत ही सारा कलर, क्योंकि आर्टिस्ट भाई बहुत ही धांसू एडिटिंग लेकर के आ चुका है मेरी जान अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। एंड ये 2023 का सबसे धमाका एडिटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम टाइम में मैं अपने कपड़े के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे दूसरा लोग यूट्यूबर रहते हैं मेरी जान, तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता है, एंड आप लोग को इधर से उधर घुमा देते वीडियो में, एंड आप लोग को समझ में नहीं आता है वीडियो, ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट भाई एक एक पॉइंट पकड़ के लेकर के चलेगा, आप लोग को सिखाएगा, क्योंकि भाई मैं आप लोग को सब्सक्राइबर नहीं मानता हूँ, फॉलोअर्स भी नहीं मानता हूँ, बड़ा भाई भगवान बराबर मानते हैं मेरी जान। तो रियल एडिटिंग सिखाना मेरा फर्ज है, एंड मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ भाई पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी जान कितना औसम तरीके से मैं अपने कपड़े का कलर यहाँ पे कितना आसानी तरीके से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मतलब पेंट कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे देखिए जो कलर दिख रहा है भाई, उसमें गजब का लाइट भी डाल सकते हैं बहुत ही बारीकी से। तो बस एक एक स्टेप आप लोग को फॉलो करना है मेरी जान, शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए कितना भाई अभी से फोटो में जान आ चुका मेरी जान, अभी से। तो अभी तो ये टेलर है मेरी जान, पूरा आप लोग देख लेंगे तो कितना ज़्यादा मजा आएगा। एंड हल्का सा आप लोग चश्मे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट अप्लाई कर लेता हूँ, एंड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ब्लैक चश्मा हो, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग अप्लाई करेंगे तो गजब का लुक आएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखिए कितना औसम तरीके से जैसे हम लोग अप्लाई करें चश्मे के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेम है, यहाँ पे देखिए जो फ्रेम है उस पर लाइट आ रहा है एक गजब का, नीचे आ गया, इसको हम लोग हटाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए कितना गजब का फ्रेम के अंदर लाइटनिंग आ रहा है, ओके। इतना करने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना है पता है मेरी जान, इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, फिर से आप लोग को प्लस पे क्लिक करके लेयर बना लेना होगा, फिर से आप लोग चले जाइएगा इस वाले ऑप्शन पे, एंड फिर से आप लोग कलर ऑप्शन पे आकर के व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
एंड उसके बाद क्या करना होगा आप लोगों को, सिर्फ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं फटाफट अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, एंड आप लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोग को दूसरा ब्रश बताता हूँ जिससे आप लोग बहुत ही कम टाइम में आप लोग अपने फेस को व्हाइट करना सीख जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। सो दोस्तों देखिए सबसे आसान तरीका मैं सिखाना चाहता हूँ, जब भी एडिटिंग सिखाता हूँ सबसे आसान तरीके में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाना चाहता हूँ, सबसे सिंपल तरीके सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एडिटिंग सीख करके भौकाल टाइट कर सकते हैं मेरी जान, ठीक है। हर कोई चाहता है मेरी जान फेस स्मूथ हो, फेस स्मूथ हो, मेरा भी फोटो बहुत ज़्यादा गोरा दिखे, ओके। तो यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी जान, क्योंकि आप लोग को आर्टिस्ट भाई बिल्कुल रियल एडिटिंग सिखा रहा है, आप लोग देख ही सकते होंगे, आप लोग देख रहे हैं सॉरी, ओके। यहाँ पे देखिए व्हाइट, कितना भी ज़्यादा आप लोग का फोटो ब्लैक क्यों ना हो, वन क्लिक में आर्टिस्ट भाई व्हाइट करके दे देगा एंड दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग भी कर लेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, एंड कहीं पे भी मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूँगा, ओके मेरी जान, क्योंकि आर्टिस्ट भाई रियल एडिटिंग सिखा रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, वरना आप लोग एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे, फिर आप लोग इधर से उधर वीडियो देखेंगे, आप लोग का टाइम भी बर्बाद होगा एंड आप लोग एडिटिंग भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना औसम तरीके से मैं फेस को व्हाइट कर चुका बहुत ही कम टाइम में मेरी जान। तो वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इतना हो गया, इतना होने सिंपली आप लोग इंस्टॉलेशन पे आ जाइएगा, एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, एंड यहाँ पे ऊपर फिर से आप लोग मिल जाएगा अदर्स, अदर्स पे क्लिक कर लीजिएगा। अदर्स पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखेगा प्लीज़ वेट। तो इस फोटो को आप लोग को पता है कहाँ पे शेयर करना है मेरे जान, जहाँ पे मैं शेयर करूँगा सिर्फ वहीं पे आप लोग को इस फोटो को शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग इधर उधर टूल्स यूज किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि आर्टिस्ट भाई रियल। सो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लेकर के आ चुके हैं स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर बनाने के बाद, ओके। पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे, डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, हल्का सा स्ट्रक्चर को माइनस करेंगे 24 यानी 34 शॉर्पनिंग को आप लोग 100 प्लस नहीं करना है, जीरो ही रहने देना होगा। यहाँ से डन करके फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे, सेलेक्टिव पे क्लिक करके जहाँ पे भी ब्लैक होगा वहाँ पे हल्का सा आप लोग को सेलेक्टिव को अप्लाई करना है। हर फोटो में मैं कहता हूँ बार बार आप लोग को सेलेक्टिव को अप्लाई करते रहिएगा ताकि फोटो में जाना था। इतना करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, एंड इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को टोटल कंट्रास्ट मिल जाएगा, हाई टोन को जीरो कर देंगे, मीडियम टोन को भी जीरो कर देंगे, लो टोन को 100 प्लस, पोर्ट्रेट शैडो को भी 100 प्लस, पोर्ट्रेट हाइलाइट्स को भी आप लोग को जीरो रखना होगा, क्योंकि हम लोग पीछे का बैकग्राउंड डार्क ब्लैक करेंगे ताकि हम लोग के फोटो में गजब का लुक आए। इतना करना सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हम लोग लेकर के आ चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, भाई जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप लोग को एडिटिंग सिखा रहा हूँ, भाई पूरा कपड़ा मेरा भीग गया है गर्मी से, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी जान आप लोग के लिए कितना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, तो सपोर्ट करना बनता है मेरी जान, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सिंपली आप लोग लाइटरूम लेसन पे आ जाएगा, ब्लेस को बढ़ा लीजिएगा, व्हाइट्स को भी बढ़ा लेना होगा, एंड शेडो को भी हल्का सा बढ़ा लेना होगा, यहाँ पे शेडो को 27 एंड यहाँ पे 23 30, ठीक है। इतना सेटिंग कोई बारीकी से नहीं समझाता है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक कर देंगे, येलो टोन पे क्लिक करके सेचुरेशन को 100 माइनस, ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन 100 माइनस, फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आकर के इसका भी सेचुरेशन 100 माइनस, फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, लिमनस को बढ़ा लीजिएगा, सेचुरेशन को हल्का सा कम कर लीजिएगा 37 एंड लिमनस को 56, फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, एंड इसका देखिए ये जो ह्यू है ह्यू को 100 माइनस कर देंगे तो कपड़े में एक गजब का लुक आ जाएगा, ओके। फिर से आप लोग क्या कीजिएगा इस सोल्यूशन पे आकर के, एंड इसका देखिए ये वाला ह्यू, ठीक है, ह्यू को आप लोग को 54 रखना होगा, प्लस सेचुरेशन को भी बढ़ा देना है, लिमनस को बढ़ा देना होगा। सो दोस्तों डन कर देंगे, फिर से आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाइएगा, नोआई डायरेक्शन को 100 प्लस, डिटेल्स को भी 100 प्लस, कंट्रास्ट को भी 100 प्लस, कलर नोआई डायरेक्शन को भी 100 प्लस कर देना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली इस फोटो को सेव कर लेना है गैलरी में, एंड आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं कर लिया। सो मेरे प्यारे दोस्तों फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क की स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों शेयर करना सिंपली देखिएगा, मैं आप लोग को इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा कि फेस को कैसे बहुत ही ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रश मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एरो जो हमारा तीर है यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे, स्मोज पे क्लिक कर लेंगे, एंड साथ ही साथ फोटो को जूम करके उसके बाद आप लोग जैसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक मिनट मेरी जान, साइज को कम करना पड़ेगा ना मेरी जान स्मूथ करने के लिए। फोटो को जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हल्के हाथों से आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी आप लोग का फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी
सो दोस्तों आशा करते हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रहता हूं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा ब्लॉग आज करेगा, थैंक यू सो मच मेरे जान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। एंड हाँ मेरी जान, अगर इस वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इससे भी मैं आसान वीडियो बना करके डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा, चार वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे। तो उसमें मैं आप लोग बताएं भाई वन क्लिक में कैसे आप लोग अपने फोटो को फेस को स्मूथ करेंगे, फोटो को वाइट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।